कोरोना काल के संकट में अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाने वाले BU MS डिग्री वाले करीब 46 डॉक्टरों को थाने महानगर पालिका ने निकालने का फरमान जारी करने के बाद थाने के विरोधी पक्ष नेता सानू पठान इन डॉक्टरों के इंसाफ के लिए आगे आते हुए कहा कि इन सभी डॉक्टरों को थाने महानगर पालिका को परमानेंट करना चाहिए, ना कि इनको निकालना चाहिए। अगर इन्हें निकाला गया तो हम थाने महानगर पालिका के सामने आंदोलन करेंगे। ज्ञात हो कि कोरोना की दूसरी लहर में जनशक्ति कम होने पर थाने महानगर पालिका के ग्लोबल कोविड सेंटर में BU MS डॉक्टरों को तैनात किया गया था, जिनका वेतन 60,000 रुपए से लेके 1,25,000 रुपए तक दी जा रही थी। इन डॉक्टरों ने बेहद प्रतिकूल परिस्थिति में काम किया था, कई डॉक्टर कोरोना संक्रमित भी हुए थे। हालांकि थाने में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी आ रही है, जिसको देखते हुए थाने मनपा ने इन डॉक्टरों को कम करने का फैसला किया था, जिसके बाद इन डॉक्टरों ने सानू पठान से मुलाकात कर अपना दुखड़ा सुनाया तो उस पर सानू पठान ने कहा कि इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद सानू पठान ने मंत्री जितेंद्र अवार्ड से संपर्क कर इन डॉक्टरों की तकलीफ को साझा किया, जिसके बाद डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने थाने मनपा आयुक्त विपिन शर्मा को आदेश दिया कि इन डॉक्टरों ने कोरोना काल में अपनी जान पर खेल कर लोगों की सेवा की है, इसलिए इन डॉक्टरों की सेवा को समाप्त ना किया जाए, जिसके बाद थाने मनपा आयुक्त ने 46 डॉक्टरों को सेवा समाप्त नहीं करने का फैसला लिया है। महापालिका की एक दोहरी नीति आज फिर एक बार सामने आ गई। कामा पुरता मामा, कहावत है ना, काम निकला तो पहचानते नहीं, कौन हो तुम हमें जानते नहीं। ये आज 46 से 50 डॉक्टरों को BU MS डॉक्टरों को नोटिस दे के कहा गया कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और उसमें लिखा है कि आपका शुक्रिया अदा, आपने इस पैंडेमिक में हमारा साथ दिया, आपको थैंक्स करते हम, और खाली इन्हीं डॉक्टरों को लिखा लगे। मेरा ऐसा मानना है कि आपने किस बेस पे खाली BU MS डॉक्टरों को ही हटाया, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी को मान्यता दी है इक्वली। पहली बात तो ये कि BAMS, BUMS और BHMS के थाने महानगर पालिका के जितने भी डॉक्टर हैं जिन्होंने उसकी इस कोविड महामारी में थाने कर की सेवा की, जिनकी जान बचाई, उन सभी को महापालिका परमानेंट करना चाहिए। और नहीं पर आज हमारे पास मुमरा प्रभाग समिति के अंदर नए हॉस्पिटल शुरू होने वाले, शिल का आरोग्य केंद्र बंद तैयार होकर बंद पड़ा है, इन सभी जगहों पर अपॉइंट करो उनको। थाने की कई जगहों पे डॉक्टरों की सेवा की ज़रूरत है, इनको अपॉइंट करो, और ऐसे में अगर तीसरी लहर आ गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या महापालिका लेगी, क्या जो आरोग्य विभाग है इनका अधिकारी लेगी? मतलब एक तरफ आप इनको जब ज़रूरत थी, जब कोई नहीं था, तब इनको आपने इस्तेमाल किया, और आज जब वक्त निकल गया तो आप खाली इन्हीं डॉक्टरों को BU MS को ही बोल के जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे अन्याय के खिलाफ हम आंदोलन करने वाले, अगर महापालिका ने अपने निर्णय पे दोबारा विचार नहीं किया तो फिर ना कहना कि हमेशा आंदोलन करते आंदोलन क्यों किया जाता है। पुलिस एकमात्र चीज़ है कि हम या महासभा में या आंदोलन, दो ही जरिया हम हमारे महापालिका के प्रशासन की आँख खोल सकते हैं, और इसीलिए अगर इनको न्याय नहीं मिला और इनको बैठ के प्रशासन ने समाधान करके सही डिसीजन करके उनको विश्वास में नहीं लिया और ऐसे उठा के फेंक दिया तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम महापालिका के गेट पे काली पट्टी बांध के सब लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।